Delhi BJP chief Virendra Sachdeva has lashed out at Saurabh Bhardwaj after his statement on Kejriwal's resignation, as there has been a political controversy that's been brewing up, and after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announced to offer his chair, Delhi BJP chief has now responded to the Saurabh Bhardwaj's statement, which has just come a short while back. Responding to the statement, Virendra Sachdeva has said that while Saurabh Bhardwaj is calling it a dignity, this is more of a matter of compulsion. He claimed that Kejriwal had no option left, and that is why he also had to offer his chair. Virendra Sachdeva has also lashed out at Kejriwal for corruption and cleaning of the sewers. Let us now listen in to what exactly he has said. जिसे मर्यादा बता रहे हैं वो मर्यादा नहीं मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिन बंदिशों की तरफ इशारा किया था उसमें साफ साफ कहा था कि एक भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में नहीं जा सकता, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकता। तो अरविंद केजरीवाल के पास चारा क्या था? तो अरविंद केजरीवाल ने तो उस मजबूरी को मर्यादा का नाम देने की कोशिश की, और दिल्ली की जनता इस सच को समझती है। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि आप कह रहे हैं ना जनता के बीच में जाएंगे, तो आप चलिए मेरे साथ उन घरों में चलते हैं जिन घरों के चिराग बुझ गए। आप तो पटाखे चला रहे थे, आपको तो अंदाजा नहीं था, लेकिन जो बच्चे भ्रष्टाचार के कारण, नालों की सफाई ना होने के कारण, जल भराव के कारण मर गए, है उनके घरों में जाने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल? आपके शराब के व्यापार ने जिन घरों में सूनापन ला दिया, जिन घरों के बच्चे मर गए शराब की लत के कारण, है उनके घर में जाने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल? All right, viewers, joining me right now live on broadcast is my colleague Aditya. Aditya, now this is another fresh allegation that has come from the BJP, especially BJP Delhi Chief Virendra Sachdeva lashing out at Saurabh Bhardwaj for defending the offer of resigning as the Chief Minister by Kejriwal. And at this point of time, you know, this is another political war of words between the BJP and the AAP. And at this given point of time, it never seems to end at reach at a deadlock, while we are also expecting the Aam Aadmi Party to come up with the names of the next successor for the post of Delhi Chief Minister. जी बिल्कुल सिमरन, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला रहा है, जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार भाजपा रेजिग्नेशन मांग रही है सीएम पद से, उनसे लगातार कहा जा रहा था कि उनको त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन जब इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब जिस तरह की घोषणा उन्होंने किया, उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगातार चालू है। कल भी ये बातें आई थी, कल भी जो भाजपा के लोग हैं या भाजपा चाहे मनोज तिवारी की बात करें या कपिल मिश्रा की हम बात करें या वीरेंद्र सचदेवा, जिस तरह के साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोगों की मौत हुई थी, वो जो जो करोलबाग में जो बच्चों की मौत हुई थी उसको लेकर के उन्होंने जिस तरीके से कहा, जो सीवर लाइन से साफ करने की बातें जो कही जा रही हैं, तो इस सब को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। एक तरफ जहां भाजपा कह रही है कि ये हम जिस तरह से डिमांड कर रहे थे उसी को डिमांड को देखते हुए आपके प्रीमियर या जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कोई उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसके बाद उन्होंने जो इस्तीफे का फैसला लिया है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से रही है उसको बहुत ही पॉजिटिव वे मिले रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहना है, उनका कहना है कि हम लगातार जनता के बीच में है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता हमें दोबारा चुन करके हमें वापस भेजेगी विधानसभा में। तो ये जिस तरह चलता जा रहा है कि अगर हमने कुछ किया है, हम अगर कल्पित हैं, तो जनता हमारा हमें वोट नहीं देगी, इसको बड़े जोरों शोर से आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता, जैसे आज ही सौरभ भारद्वाज की पीसी हुई है, सौरभ भारद्वाज की पीसी ने भी इस बात को बार बार दोहराया है कि पूरे विश्व में या पूरे भारत में पहला ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने बार बार जनता से वोट के रूप में अपने ईमानदार होने का सबूत मांगा है। तो ये जो पूरा का रूप है ये चलता रहेगा अभी तक, क्योंकि आज लगातार बैठकों के दौर चालू है। आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, आपकी की बात करें, सभी जो है अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज शाम तक या कल तक जो है ये क्लियर हो जाएगा कि नया मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो कौन हो पाएगा, या कौन अगला जो दिल्ली का जो ताज है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर कौन बैठेगा, ये कल तक साफ हो जाएगा। कल तक यही क्लियर हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कब, कितने समय, कितने बजे तक वो जो है इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन अब तक नाम
पे क्लियरली साफ नहीं हो पाया है और बीजेपी को लेकर के भी राजनीति करें, जब भी मामला आएगा या जब भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो जरूर बीजेपी इस बात को लेकर के टिप्पणी शुरू करेगी, क्योंकि दावेदार बहुत सारे हैं आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जो गठबंधन आम आदमी पार्टी को जो बनाया गया जो संगठन खड़ा किया उसको खड़ा करने वाले लोग जो बहुत हैं, 3-4 लोगों के नाम जो है वो आ रहे हैं, भाजपा इसको लेकर के भी घेरेगी, कांग्रेस भी इस बात को लेकर के जरूर कुछ ना कुछ टिप्पणी करेगी, तो पूरा का पूरा मामला जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.